हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक दैट इज़ फ्लो चार्ट एंड इट इज़ सिंपल एज। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। फ्लो चार्ट इज़ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम सेटअप बाय सेटअप अप्रोच टू सॉल्विंग ए टॉस्क। फ्लो चार्ट क्या होता है? सिंपली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जब हम डायग्रामेटिकली कुछ दिखाते हैं ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? सेटअप बाय सेटअप अप्रोच टू सॉल्विंग ए टॉस्क, मतलब जब हम कोई टास्क और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सेटअप बाय सेटअप कुछ सेटअप्स में, और जो वो सेटअप्स होते हैं वो हम दिखाते हैं डायग्रामेटिकली, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। और एल्गोरिथम क्या होता है? सेटअप्स इन द प्रॉब्लम और टास्क में जो होते हैं। जैसे कि पहला है स्टार्ट, हम दिखाते हैं बाय ओवल शेप। ओवल शेप रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट और स्टॉप और एंड। ओवल शेप रिप्रेजेंट्स स्टार्ट और एंड और स्टॉप, एंड और स्टॉप। तो ये है ओवल शेप पहला। दूसरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो कि रिप्रेजेंट करता है इनपुट, इनपुट और आउटपुट। पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट। तीसरा है रेक्टेंगल, इट रिप्रेजेंट्स प्रोसेस, मतलब प्रोसेस। और चौथा है डायमंड शेप, ये दिखाता है डिसीजन, डिसीजन। तो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें पहला सेटअप क्या है? स्टार्ट, दूसरा है इनपुट, तीसरा है प्रोसेस, चौथा है डिसीजन, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टॉप होता है। तो ये है सेटअप्स, दैट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब है सेटअप्स इन द टास्क और प्रॉब्लम। इसके बाद हमें पढ़ना है एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम हमने पहले ही बताया है, मतलब जो सेटअप्स होते हैं जब हम कोई एक प्रॉब्लम सेटअप्स में सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम राइट एल्गोरिथम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर। एल्गोरिथम क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है फॉर एडिंग ऑफ टू नंबर। एल्गोरिथम क्या होता है और सेटअप बाई सेटअप प्रोसीजर डिजाइनर टू सॉल्व स्पेसिफिक टॉस्क और प्रॉब्लम। जैसे कि पहला सेटअप है स्टार्ट, दूसरा है डिक्लेयर वेरिएबल्स नंबर वन एंड नंबर टू, हम इनपुट देते हैं, फिर इनको सेटअप थ्री में सम करते हैं, सेटअप फोर में रीड द वैल्यूज मतलब डिसीजन, सेटअप फाइव में डिस्प्ले करते हैं ये सम दैट इज़ इनपुट आउटपुट, और सेटअप सिक्स है स्टॉप दैट इज़ एंड। ये कुछ सेटअप्स है फॉर टू नंबर्स।